Hello friends, in this video we will talk about Francis Beaumont and John Fletcher. So let's start. Both of them wrote plays together. हमें पता है कि दोनों साथ में लिखते थे plays, और कई plays इन्होंने individually भी लिखे हैं, वो भी हम discuss करेंगे. John Opry, AUPREY. John Opry, he is a person who is associated to Jacobean stage से जो लिंक रखते थे, एंड अकॉर्डिंग टू हिम बोथ ऑफ दिस मैन लिव टुगेदर ऑन बैंक साइड एंड दे शेयर क्लोथिंग एंड हाउस एंड एवरीथिंग दे शेयर. ओके, दे बोथ टुगेदर रिटन अबाउट 52 प्लेस. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. दे बोथ टुगेदर रिटन अबाउट 52 प्लेस विच वॉज कलेक्टेड टुगेदर इन ए फोलियो नोन एज 50 कॉमेडी एंड ट्रेजेडीज. 50 कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज. मुझे पता है कि मैं थोड़ी स्पीड में जा रही हूँ, तो मैं इसीलिए स्पीड में कर रही हूँ ताकि हम अपना नेट का सिलेबस अच्छे से कवर कर पाए. ओके, तो हम बात करते हैं पहले इनके इंडिविजुअल प्लेस के. इंडिविजुअल प्लेस में पहला है फ्रांसिस बियोमोंट का नाइट, के NIGHT, नाइट of burning pestle, PESTLE, night of burning pestle. Individual play है, you have to remember this. किसने लिखा है? Francis Beaumont. Okay, तो हम इसको थोड़ा सा इसका plot discuss कर लेते हैं. Night of burning pestle, ये weapon और machine भी बोला जाता है इसे, और plot start करते हैं. This play talk about a grocer है and his family, as well as जो grocer क्या होता है, who sit in a grocery store. Okay, तो his servant go to a see a play term as London merchant. उसका servant होता है, वो play देखने जाता है, कौन सा? London, London, London merchant. You have to remember the name of the play, London merchant. जब grocer और उसकी wife play देख रहे थे, वे बात कर रहे थे कि दिस प्ले इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग करेक्टली द मिडिल क्लास पीपल. दोनों बात कर रहे थे कि जो प्ले है वो अच्छे से ना मिडिल क्लास पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो बार बार वो कंप्लेन कर रहे थे. दिस वर्क इज़ ए सटायर ऑन द वर्क ऑफ थॉमस डेकर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये एक सटायर है थॉमस डेकर के वर्क के ऊपर. और प्ले को देखते हुए जो ग्रॉसर होता है, जो नाम क्या है, सिटीजन का नाम है ये ग्रॉसर, ओके, को गुस्सा आ गया, और वो प्ले के बीच में भी स्टेज पर अपनी पत्नी के साथ जाकर बैठ गया. और वो स्टेज परफॉर्मर से कहता है कि तुम्हें नया कैरेक्टर जो कि नाइट, KNIGHT, नाइट, ठीक है, नाइट हो जो कि ग्रॉसरी बिजनेस को डिपिक्ट कर सके परफेक्टली, उसे लेना चाहिए. तो नाइट कौन होगा? द एप्रेंटाइल रैफ और राल्फ, ARALPH, राल्फ. ओके, इट इज़ ए कैरेक्टर हु इज़ वेरी गुड इन मेकिंग प्रिटी स्पीचेस एंड ही विल डू जस्टिस विद द रोल ऑफ ए नाइट. बार बार ग्रॉसर एंड हिज वाइफ प्ले के बीच में इंटरफेयर कर रहे थे, एंड दे कीप ऑन ब्रेकिंग द प्ले. उनके कहने पर राल्फ नाम के जो कैरेक्टर को उन्होंने ऐड कर दिया, राल्फ क्या, नाइट को, ठीक है, एप्रेंटाइल रैफ और राल्फ को उन्होंने ऐड कर दिया. लेकिन दिस एक्ट इज़ लाइक ए प्ले विथ इन ए प्ले. ठीक है, बार बार वो बीच में इंटरफेयर कर रहे थे, प्ले चल रहा था, तो इट इज़ ए प्ले विथ इन ए प्ले. तो आई विल आस्क ए क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर दिस. Who has the person who play the role of a knight and who have a pestle rather than a sword? I repeat, who has the person who play the role of a knight and who have a pestle rather than a sword? Answer is Ralph, RALPH, जो ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने ऐड करवाया था ये कैरेक्टर. ओके, तो दिस इज़ द अबाउट फ्रांसिस बियोमोंट, नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल. द नेक्स्ट इज़ जॉन फ्लेचर. जॉन फ्लेचर ने कौन सा लिखा है?
जॉन फ्लेचर ने लिखा है फेथफुल शेफर्डस. फेथफुल शेफर्डस इट इज़ ए पेस्टोरल ट्रेजिक कॉमेडी. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट इज़ ए पेस्टोरल ट्रेजिक कॉमेडी. दिस इज पोर्ट्रेयल ऑफ ए हीरोइन नेम क्लोरिन हु इज वर्जिन शेफर्डस हु वैल्यूज चेस्टिटी एंड डिवोशन अबाउ एवरीथिंग. ठीक है, उसे अपनी चेस्टिटी एंड डिवोशन सबसे ज़्यादा प्यारे थे. और जो क्लोरिन होती है उसका लवर है डाइड, उसका जो लवर है वो डाई हो जाता है. एंड शी इज़ लिविंग नियर द ग्रेव ऑफ अ लवर एंड शी हैड डिसाइडेड दैट शी हैड लिव हर लाइफ अलोन. लस्टफुल शेफर्ड है क्लो सी एल ओ ई क्लो जो है क्वीन ऑफ लवर. वो कहती है मैं हमेशा तैयार हूँ प्यार के लिए, चाहे तुम मेरा रेप ही क्यों ना कर लो. द नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अबाउट फेथफुल शेफर्डस. ये इंडिविजुअल प्ले है जॉन फ्लेचर का. अब हम बात करेंगे इन दोनों के साथ के प्लेस के जो टुगेदर इन्होंने लिखे हैं. ठीक है, तो फिलास्टर इसे लव लाइस ए ब्लीडिंग भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लव लाइस ए ब्लीडिंग. ओके, ये दोनों का रिटन बाय फ्रांसिस बियोमोंट एंड जॉन फ्लेचर टुगेदर है, दोनों ने लिखा है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें एक डिसीज्ड किंग है नाउ डाइड जो मर चुके हैं, हुज सन इज किंग फिलास्टर. जो उसका बेटा है वो है किंग फिलास्टर, अब बन चुका है. बट देर इज़ ए किंग ऑफ कैलेब्रिया हु हैज़ टेकन द क्रॉन ऑफ सिसिली फ्रॉम फिलास्टर. फिलास्टर से उन्होंने वहाँ का राज्य ले लिया है. और जो कैलेब्रिया है उसकी डॉटर है एरिस्थुसा ARETHUSA एरिस्थुसा. तो प्लॉट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कैरेक्टर्स आप समझ गए हैं कि जो फिलास्टर है उनके फादर की डेथ हो चुकी है और जो फिलास्टर का जो राज्य है वो कैलेब्रिया ने हड़प लिया है और उसकी डॉटर है एरिस्थुसा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्लॉट. किंग कैलेब्रिया वांट टू मैरी हिज डॉटर एरिस्थुसा टू पैरामाउंट. पैरामाउंट से जो स्पेनिश प्रिंस है उससे वो शादी करना चाहते थे अपनी बेटी एरिस्थुसा को, सो दैट ही कैन बिकेम द राइटफुल हायर ऑफ हिज थ्रोन ऑफ सिसिली. ताकि उनका एक वारिस बन सके, उनका कोई बेटा नहीं था. फिलास्टर को जब पता चलता है कि पैरामाउंट की शादी एरिस्थुसा के साथ होगी तो वह कहता है यह तभी होगा जब मैं मरूंगा. बट एरिस्थुसा लव फिलास्टर एंड शी डिक्लेयर हर लव टू फिलास्टर. ये दोनों स्कीम प्लान करते हैं कि फिलास्टर सर्वेंट बिलेरियो के साथ. इतने में एरिस्थुसा को फेरामोंट के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जो है मैग्रा के साथ. और फेरामोंट का अफेयर के बारे में एरिस्थुसा ने सबको बता दिया. तो फेरामोंट ने गुस्से में सबसे कहा कि एरिस्थुसा का अफेयर भी बिलेरियो जो उनका सर्वेंट है उसके साथ है. फिलास्टर को सच लगने लगा ये बात. लगता है कि एरिस्थुसा और बिलेरियो की बात को झूठ पर विश्वास करता था फिलास्टर. जो भी वो झूठी बात थी लेकिन उसको ये बात सच लगी फिलास्टर को. फिलास्टर को लगता है कि अब तो उसे मर जाना चाहिए. और एरिस्थुसा को भी लगता है कि कैसा लवर है ये मेरा जो झूठ को भी सच मान रहा है. मर जाने का फैसला करती है वो भी. एरिस्थुसा भी मर जाने का फैसला करती है. फिलास्टर से एरिस्थुसा कहती है कि तुम मुझे मार दो. इतने में एक वहाँ से जा रहा आदमी ये देखता है और फिलास्टर वो आदमी दोनों फाइट करते हुए घायल हो जाता है. एरिस्थुसा कोर्ट चली जाती है और फिलास्टर छुप जाता है. बेलेरियो को जब पता चलता है कि फिलास्टर ने एरिस्थुसा को घायल किया है तो वह कहता है कि एरिस्थुसा को मैंने घायल किया है बदला लेने के लिए. इस बात को सुनकर फिलास्टर को यह यकीन हो जाता है कि एरिस्थुसा और बेलेरियो का कोई अफेयर नहीं है. फिलास्टर को गिल्टी महसूस होती है और वो सरेंडर कर देता है और उसे मौत की
सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि कैलेब्रिया जो एरिस्टुसा के फादर तो उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन एरिस्टुसा और फिलास्टर से जाकर शादी कर लेती है और उन दोनों को किंग मौत की सज़ा सुनाते हैं, ठीक है। बट देर इज़ अ ट्विस्ट, बेलेरियो ने भेष किसका बदला है, डिस्गाइज हुआ है बेलेरियो, बदला हुआ है आदमी का, लेकिन वो एक औरत है। उसका असली नाम है Euphrasia, Euphrasia, ठीक है। तो जो बेलेरियो जो कैरेक्टर है वो डिस्गाइज है, वो एक लेडी है, लेकिन वो उसने आदमी का भेष ले रखा है और उसका असली नाम है Euphrasia, ओके। शी इज़ ए वूमेन ऑफ द कोर्ट जो फिलास्टर से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। पैरामाउंट वापस स्पेन चला जाता है, ठीक है। किंग के पास कोई वारिस नहीं बचता और वह फिलास्टर की मौत की सज़ा माफ़ कर उसे अपना वारिस बना लेता है। फिलास्टर की शादी एरिस्टुसा से हो जाती है, ठीक है। और बेलेरियो जो बेलेरियो Euphrasia है, जो असली नाम है, को चीफ पोजीशन दी जाती है कोर्ट में। कौन सी पोजीशन है? लेडी इन वेटिंग की जो अवार्ड है उसको, लॉयल्टी का उसे ये अवार्ड दिया जाता है, लेडी इन वेटिंग, ओके। तो दिस इज़ अबाउट फिलास्टर, ठीक है। मैंने थोड़ा स्पीड में किया है, तो अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी अपना सिलेबस है थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ ताकि अपना सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए, और जो भी डाउट्स होंगे, कोई क्वेरीज होगी आपकी, वो हम अपने एक वीडियो बना के उसमें सारा मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ओके। तो नेक्स्ट हम करते हैं फेमस जो प्ले है, द मेड्स ट्रेजेडी। इट इज़ आल्सो रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड फ्रांसिस ब्यूमोंट, ओके। तो इसमें कैरेक्टर्स है एमिंटोर, AMINTOR, एमिंटोर जो मेन कैरेक्टर है, ओके। वो लव करता है एस्पेटिया से, ASPATIA, एस्पेटिया। लेकिन वो मैरी करता है इवाडेन, EVADNE, इवाडेन। वो इवाडेन से मैरी क्यों करता है? क्योंकि वो लव करती है किंग से। किंग और इवाडेन के बीच में अफेयर चल रहा है और इवाडेन सिस्टर है मेलेंटियस, MELANTIUS, मेलेंटियस। और मेलेंटियस का फ्रेंड है एमिंटोर, ठीक है। आई रिपीट, मेलेंटस का फ्रेंड है एमिंटोर। तो मेलेंटस एमिंटोर को बोलता है कि मेरी बहन के साथ शादी कर लो, ठीक है। और उन एमिंटोर को भी उसके अफेयर के बारे में पता होता है, ठीक है। किसके अफेयर के बारे में? इवाडेन और किंग के बीच में जो अफेयर, जो लव चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो ये एमिंटोर जो मेन कैरेक्टर है हमारा मेड्स ट्रेजेडी का। तो हम लेट्स स्टार्ट द प्लॉट। बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द किंग, ही वॉज मैरिड टू इवाडेन, हु इज सिस्टर ऑफ हिज फ्रेंड मेलेंटियस, ओके। तो वो शादी कर लेता है, लेकिन इवाडेन किंग की मिस्ट्रेस थी। जैसे कि मैंने बताया, दोनों के बीच में लव अफेयर था, किसी को इस बात का पता ना चले, इसीलिए किंग ने इवाडेन की शादी किससे करा दी? एमिंटोर से करवा दी, ताकि पब्लिक को पता ही ना चले कि उनका अफेयर चल रहा है और वो शादीशुदा लगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एस्पेटिया को बुरा लगता है कि एमिंटोर ने इवाडेन से शादी कर ली। जैसे मैंने बताया कि एमिंटोर एस्पेटिया से प्यार करता है, ठीक है। मेलेंटियस को जब पता चलता है कि इवाडेन ने उसके दोस्त एमिंटोर से शादी कर ली है, तो वह इवाडेन से पूछता है। तो इवाडेन कहती है कि वो किंग से प्यार करती है, उसको छुपाने के लिए शादी की है। तो मेलेंटियस इवाडेन से कहता है कि किंग सिर्फ तुम्हें फिजिकल डिज़ायर मिटाने के लिए तुम्हारा यूज़ कर रहा है। इवाडेन को भी ऐसा लगने लगता है और वो किंग के साथ रहते हुए उसका मर्डर कर देती है। इवाडेन एमिंटोर से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, बट एमिंटोर रिजेक्ट कर देता है। इवाडेन खुद को मार लेती है। इसमें पहले किंग को मार दिया है इवाडेन ने, फिर उसने खुद को भी मार लिया है इवाडेन ने। एस्पेटिया भेष बदलती है किसका? मेलेंटियस का, और एमिंटोर को ड्यूल करने को कहती है।
जिसमें एस्पेटिया और घायल हो जाती है और अपनी से ही पहचान की मैं एस्पेटिया हूँ वो बताकर वो भी मर जाती है। ठीक है, तो इसमें एमिंटर को लगता है कि उसने खुद के प्यार को मार दिया तो वो भी खुद को मार लेता है। इसमें सारे कैरेक्टर्स मर चुके हैं, ठीक है, और मिलेंटेस ये सब देखने के बाद खुद को मारने वाला होता है, तो बस उसे सब समझाते हैं कि तुम्हें सब लोगों का ध्यान रखना है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो लास्ट में मिलेंटेस ही एक जीवित रहता है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट मेड्स ट्रेजेडी, जो हम डिटेल में हमने प्लॉट नहीं किया है लेकिन हमने ऊपर ऊपर से सारा प्लॉट समझ लिया है। ओके, तो प्लीज़ वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छी वीडियो इम्प्रूवमेंट के साथ मैं बनाती रहूँ और आपके साथ यूँ ही जुड़ती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।